हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को संगीतास रेसिपी में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को ओल का सब्जी बनाकर बता रही हूँ। ऐसे तो सरसों मसाला में ओल का सब्जी बनता है, लेकिन मैं गरम मसाला में आप लोगों को बता रही हूँ। और इस तरह से आप बनाएंगे तो नहीं ओल काटेगा और स्वादिष्ट भी बनेगा व्यंजन। मैं आप लोगों को आज गरम मसाला का ओल के सब्जी बता रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ओल ले ली हूँ मैं, और इस ओल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके साफ सुथरा धोकर मैं रखी हूँ। और गरम मसाला के सब्जी बनाने के लिए मैंने ओल का 2 प्याज 1 टमाटर ली हूँ। यदि आपका ओल ज़्यादा हो तो आप टमाटर ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि इसमें यदि काटता है ओल तो ये टमाटर ही इसको ठीक कर सकता है। या आप नींबू का भी प्रयोग कर सकती हैं जो ज़्यादा खट्टा खाते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं इसे। सामग्री में मैंने इस तरह से मसाला सीट ले रखा, जिसमें हल्दी, मिर्चा, धनिया और नमक ये सब है। मैंने 2 गिलास पानी में 1/2 चम्मच चपत्ती डाल दी हूँ और इसे बॉईल होने दे रही हूँ। इस उबलते हुए चायपत्ती में मैं ओल के टुकड़े को डाल रही हूँ। इस तरह से 10-15 मिनट तक इसे खोलने देना है। इसमें उबाल आ रहा है। इसमें उबाल आ गया है। गरम मसाला में मैं चिकन मसाला यूज कर रही हूँ और कश्मीरी मिर्ची का प्रयोग कर रही हूँ। ये बॉईल हो चुका है, इसे मैं निकालूंगी। मैंने प्याज कट कर ली है। अब टमाटर को मैं कट कर रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। ओल को ऐसे बहुत कम ही लोग बनाते हैं, क्योंकि ओल काटता है। तो मैंने इसे चायपत्ती में खौला दिया है, जिसके कारण ओल उतना काटेगा नहीं मोम को। और आपको इस तरह से देखना है कि थोड़ा सॉफ्ट हुआ है नहीं। मैंने 2 कढ़ाई चढ़ा रखी है। एक कढ़ाई में जो मैं प्याज फ्राई करूंगी और दूसरा में मैं ओल को फ्राई करूंगी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बस थोड़ा सा ही किचन किंग और हल्दी पाउडर, नमक और मिर्चा डालना है। और ये भुंजिया टाइप का, मतलब लटपट मसाला वाला मैं बता रही हूँ। ज्यादा पानी नहीं रहेगा इसमें। दो चम्मच ऑलिव ऑयल डाली मैं इसमें। इसमें फ्राई करना है इसलिए ज्यादा डाल रही हूँ। ओल को मैंने अच्छे तरह से साफ कर ली है।
से आप फ्राई कर लेंगे। कुछ नमक डाल देना है जिसके अंदर तक फ्लेवर जाएगा। नमक इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। मैंने प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लेंगे। आप इस तरह से बनाएं रेसिपी, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। टमाटर ऐड कर देंगे। वन फोर्थ स्पून हल्दी डाल रही हूँ मैं जिससे कलर पकड़ेगा। जैसा कि देख रहे हैं इन चार चीजों को मैं इसमें एक साथ ऐड कर दे रही हूँ। थोड़ा सा पानी देकर इसे अच्छा तरह से मसाला को फ्राई कर लेना है। और इधर हमारा ओल फ्राई हो चुका है अच्छा तरह से। देखिए सीज भी दिया है। ये सीज चुका है। तेल छोड़ने तक भूनना है। देखिए इसको सिर्फ हल्का हल्का तेल निकल रहा है। और बहुत ही टेस्टी सुगंध भी आ रही है। Thank you.
क्योंकि फ्राई करते समय ओल सीज चुका। अब इसमें पानी थोड़ा ही देना क्योंकि इसे हम लटपट जैसा बनाएंगे। और इसे 5 मिनट के लिए ढककर, मतलब एक सार होने के लिए छोड़ देना होगा। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बनकर हमारा तैयार हो गया फाइनली। मैं ऑफ कर दे रही हूँ। मैं इस बॉल में ली हूँ 2 पीस और टेस्ट करके बता रही हूँ। आप लोग ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए संगीतास रेसिपी को। थैंक यू। मैं टेस्ट करके बता रही हूँ कैसा बना है। यम्मी बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। ओल जो काटता है वो काट नहीं रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।